हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी भी दोस्तों मोबाइल स्विच करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स आपको नहीं मिल पाते, ठीक है, तो उसको बैकअप कैसे करना है और कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान वे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, बैकअप कॉन्टैक्ट्स में जाना है। ओके दोस्तों, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं 1583 कॉन्टैक्ट्स हैं, 1583। तो इसको बैकअप कैसे करना है, ठीक है, इसका बैकअप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये थ्री डॉट्स में जाना है, हर एक की सेटिंग होती है, अगर आप कॉन्टैक्ट में जाओगे तो हर एक की सेटिंग होती है, ठीक है। तो सेटिंग में जाना है, आपको सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है दोस्तों, पता है आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिखा होगा, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, आपको किस में इम्पोर्ट करना है, स्टोरेज में, वी कार्ड में या सिम कार्ड में। सिम कार्ड में ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं जाते हैं तो आपको स्टोरेज में कर देना है। ओके, तो मैं आपको जो भी वी कार्ड के है उसको इसमें, सॉरी, एक्सपोर्ट करना है आप लोगों को, एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, ठीक है। एक्सपोर्ट में आप उन सबको लेके एक जगह डाल रहे हो, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, एक्सपोर्ट टू, ये देखो, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा पूरा इंटरनल स्टोरेज में, ये फाइल बनाएगा वो 0001.vcf, कीप इट सेव, ठीक है। तो ऐसा कर देना है। किस में आपको करना है सेव, तो मैं करूँगा अपने आईडी में, ठीक है, मैं अपने आईडी में कर लूँगा 111 में। ओके ओके कर देना इसको, ये पूरा 100% हो जाएगा। ओके, अगर वो आपको आईडी और पासवर्ड याद रखना है, जब भी आप दूसरा फ़ोन, नया फ़ोन लोगे तो आपको वो पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट कैसे मिलेंगे, वापस आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, सॉरी, कॉन्टैक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट्स पे जाना है, सेटिंग में जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, ठीक है। अभी इंपोर्ट में जाना है, अब इंपोर्ट की कहाँ से करना है आपको, गूगल ये वाले पे से, वो आईडी से, जो भी आईडी से मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये वाला कर देना है। जो ये मेरी फाइल थी तो वो फाइल खुद ही ले लेगा, और ये पूरा ओके कर देना, वो इंपोर्ट पूरा का पूरा, पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट्स ले लेगा। ओके, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों आपका धन्यवाद।